बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ग्लाइकोसाइड्स एंड डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। सो लेट्स सी व्हाट आर ग्लाइकोसाइड्स। ग्लाइकोसाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द हेमी एसिटल और हेमी केटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन ऑफ वन कार्बोहाइड्रेट reacts with hydroxyl group of another carbohydrate or a non-carbohydrate, example methyl alcohol, phenol or glycerol. So the bond that is formed is known as glycosidic bond, while the bond that is formed with the non-carbohydrate and a glycone is when the bond is formed with one carbohydrate and another non-carbohydrate moiety. So the monosaccharides are held together by glycosidic bonds to result in disaccharides, oligosaccharides or polysaccharides. इसको हम आपकी एग्जाम्पल से देखते हैं। देखें, आपका जो glycosides होते हैं वो ये होता है कि जो आपका एनोमेरिक कार्बन है वो कह रहे हैं कि आपकी हेमी एसिटल या हेमी केटल हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमेरिक कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ का रिएक्शन होता है दूसरे कार्बोहाइड्रेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये है आपका एनोमेरिक कार्बन, ये है आपका एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, तो हेमी एसिटल या हेमी केटल ग्रुप्स भी आपके यहीं पर बनते होते हैं। ठीक है, तो या तो हेमी एसिटल या हेमी केटल ग्रुप एनोमेरिक कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो ये आपका एनोमेरिक कार्बन है। यहाँ पे आप देखें तो ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, तो ये इसका हेमी एसिटल है। तो जब इसका जब आपका हेमी एसिटल बनता है, ठीक है, जब साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा तो अल्फा तब होगा जो जब OH नीचे होगा और बीटा तब होगा जब फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर होगा। ठीक है, तो ये हेमी एसिटल और हेमी केटल है, अल्फा बीटा। ठीक है, तो a glycoside is any molecule in which a sugar group is bonded through its enomeric carbon to another group via glycosidic bond. A glycosidic bond is a certain type of chemical bond that joins a sugar molecule to another molecule. ठीक है, एक bond है जिसे एक sugar molecule दूसरे sugar molecule के साथ combine होता है। So it's a substance containing a glycosidic bond is a glycoside. तो ग्लाइकोसाइड्स क्या हुए, वो सब्सटेंसेस जिनके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो सब के सब ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। तो जितने भी आपके डाइसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स हैं वो सब के सब ग्लाइकोसाइड्स हैं। ठीक है, मोनोसेक्राइड्स ग्लाइकोसाइड्स नहीं होते क्योंकि मोनोसेक्राइड सिर्फ वन शुगर होता है। जब मोनोसेक्राइड किसी दूसरी शुगर के साथ कंबाइन होते हैं तो बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अब जो वो पूरा का पूरा कम्बिनेशन है उसको हम ग्लाइकोसाइड कहेंगे। द शुगर ग्रुप इज नोन एज the glycone and the non-sugar group is known as a glycone. तो अगर आपका एक component, एक आपकी sugar है और वो sugar किसी दूसरे component के साथ attach हुई है, ठीक है, तो वो अगर non-sugar है तो उसको हम a glycone कहेंगे और जो sugar होगा उसको हम glycone कहेंगे। अगर दोनों sugars हैं तो दोनों को हम glycone कहेंगे। ठीक है, और अगर एक non-sugar है तो उसको हम a glycone कहेंगे। The glycone can consist of a single sugar group monosaccharide or several sugar groups oligosaccharides. ठीक है, उसके अंदर single sugar group भी हो सकते हैं, several sugar groups भी हो सकते हैं। The sugars found in glycosides may be glucose or ramose. ये यहाँ तक आप जो है ये समझ लें। ठीक है, इसको this is not in your still included. इसको हम तो ये आपके इस तरीके से आ जाते हैं, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। ये देखिए, तो ये जो आपका बॉन्ड है, ठीक है, ये जो अगर ये दोनों शुगर ग्रुप्स हैं तो दोनों के क्या हैं, ग्लाइकॉन्स हैं। अगर यहाँ पे एक शुगर ग्रुप ना होता, यहाँ पे कोई और मोनो नॉन कार्बोहाइड्रेट होता तो उसको हम ए ग्लाइकॉन कहते। अब ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, तो ये मिलते हैं थ्रू आ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और फिर कोई और कंपोनेंट बना देते हैं। ठीक है, तो इसको हम ग्लाइकोसाइड कहेंगे। अब आ जाएं आप नेमिंग ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे।
द नॉमिनक्लेचर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज बेस्ड ऑन द लिंकेजेस बिटवीन द कार्बन एटम्स एंड द स्टेटस ऑफ द एनोमेरिक कार्बन अल्फा और बीटा। तो जब हम किस तरीके से हम नाम देंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होते हैं हमेशा, ठीक है, जब भी शुगर्स के दरमियान में बॉन्डिंग होती है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू होती है, हम उसको नाम दे देते होते हैं। फिर जब हम कभी भी वो नाम पढ़ते हैं ना, तो हमें फ़ौरन समझ आ जाती है कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, इसमें बॉन्ड किस तरफ होगा, ठीक है। तो वो हमारी आसानी के लिए है। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जो लिंकेजेस हैं कार्बन एटम्स के दरमियान, वो उस पे बेस करता है कि कौन से कार्बन एटम के दरमियान लिंकेज है, वन कार्बन है, टू है, थ्री है, कौन सी कार्बन, कौन सी नंबर ऑफ कार्बन पे, मतलब वन कार्बन पे, सेकंड कार्बन पे, थर्ड कार्बन पे, फोर्थ कार्बन पे, कौन से कार्बन पे लिंकेज है, ठीक है। और फिर एनोमेरिक कार्बन का स्टेटस क्या है, मतलब एनोमेरिक कार्बन अल्फा है या बीटा है, ठीक है। तो ये हमने देखना होता है, जैसे ये मैंने आपको बताया कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अगर ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे होगा तो अल्फा होगा, अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर होगा तो बीटा होगा। तो एनोमेरिक कार्बन का स्टेटस और कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे लिंकेज है, वो उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लैक्टोज देखें तो उसका जो बॉन्ड है वो है C1 कार्बन ऑफ बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज की C1 कार्बन पे, और अल्फा आपके ग्लूकोज के, अल्फा ग्लूकोज के C4 कार्बन पे। तो जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा B1-4, ठीक है। ये इस तरीके से हम देखते हैं, ये देखिए। तो जो गैलेक्टोज है आपका वो बीटा है, ठीक है, जो आपका गैलेक्टोज है वो बीटा फॉर्म में है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको बीटा रखते हैं क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, ठीक है। तो बीटा वन का फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे फोर्थ कार्बन थी, ऐसी था ना, 1-4, ठीक है। तो फर्स्ट कार्बन का लिंक बना है फोर्थ कार्बन के ऊपर, ठीक है। और जो आपका गैलेक्टोज है वो बीटा था क्योंकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, तो बीटा 1-4। हम जो सेकंड आपका ग्रुप होगा, ठीक है, जो भी आपका ग्रुप होगा, हम उसको नहीं देखते हैं कि वो अल्फा या बीटा है, हमने सिर्फ जो पहले वाला कार्बन है, जो पहले वाला आपका ग्रुप है, सिर्फ उसके दरमियान देखना होता है कि वो अल्फा है या बीटा है, ठीक है। और इस तरीके से करके हम उसको, बॉन्ड का नाम है बीटा 1-4। अगर हम ये करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं लैक्टोज बीटा 1-4, तो हमें फ़ौरन समझ आ जाएगा कि लैक्टोज ग्लूकोज बीटा है और उसके फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड हुआ है ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ। अब मैं आपको ये कुछ और एग्जांपल्स के साथ भी समझा रही हूँ, यहाँ पे देख लें। अगर माल्टोज में हम देखें तो आपका, तो इसमें आपका बॉन्ड हुआ हुआ होता है, दो ग्लूकोज आपस में मिलके माल्टोज बनाती हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट आपकी शुगर है ग्लूकोज वो अल्फा है, ठीक है, और उसके फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड हुआ हुआ है दूसरी ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ, तो अल्फा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। जबकि सेलिब्योज में यहाँ पे देखें, इस शुगर के फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड हुआ है इस शुगर के फोर्थ कार्बन के साथ, लेकिन ये बीटा फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा बीटा 1-4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बिटवीन शुगर्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर्स ऑफ द कनेक्टेड कार्बन्स, ठीक है, मतलब कौन सी कार्बन्स के दरमियान में बॉन्ड है, फर्स्ट कार्बन टू फोर्थ है, फर्स्ट कार्बन टू सिक्स है, फोर्थ कार्बन टू सिक्स है, और दूसरा पोजिशन ऑफ एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द शुगर इन्वॉल्व इन द बॉन्ड, मतलब अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है तो वो अल्फा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है तो वो बीटा होगा, सॉरी, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर नीचे है तो वो अल्फा होगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है तो वो बीटा होगा। तो यहाँ पे आप देखें, अगर हम स्टार्च में देखें तो यहाँ पे बॉन्ड हुआ हुआ है फर्स्ट कार्बन का फोर्थ कार्बन के साथ, और ये अल्फा है, ठीक है, तो ये आपका अल्फा 1-4 लिंकेज बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन का बॉन्ड हुआ है और ये अल्फा है टू द सिक्स्थ कार्बन, ठीक है, तो अल्फा 1-6 लिंकेज होगा। और लैक्टोज का मैं आपको बता चुकी हुई हूँ कि गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन बीटा फॉर्म में है
तो उसका लिंकेज बनता है फोर्थ कार्बन के साथ, तो बीटा 1 to 4 नाम इस तरह के तरीके से हम लिखेंगे, गैलेक्टोज बीटा 1 to 4 ग्लूकोज अगर पूरा लिखेंगे, वरना बीटा 1 to 4 लिंकेज। ठीक है, तो ये हैं आपके ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। अब हम कुछ फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स देख लेते हैं। सबसे पहला है आपका ग्लूकोवनीलन। वनीलन डी ग्लाइकोसाइड जो है एक नेचुरल सब्सटेंस है जो वनीला को वनीला फ्लेवर देता है। मतलब हम वनीला फ्लेवरिंग जितने भी अपने प्रोडक्ट्स में यूज़ कर रहे होते हैं वो ग्लूकोवनीलन के ज़रिए से कर रहे होते हैं, वो वनीला फ्लेवर का नाम है। ठीक है, उसके बाद कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, दीज आर स्टीरोइडल ग्लाइकोसाइड्स, दे आर डिजिऑक्सिन और डिजिटॉक्सिन, दे कंटेन द ग्लाइको ए ग्लाइकॉन स्टीरॉयड एंड दे स्टिमुलेट मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें मैंने आपको बताया था ग्लाइकॉन जो है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, मोनोसैकेराइड होता है, और ए ग्लाइकॉन होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं इनके नाम है डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन। ठीक है, ये दोनों के दोनों मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए काम कर रहे होते हैं, और इनके ये ए ग्लाइकॉन होते हैं, मतलब ये एक कार्बोहाइड्रेट होता है और एक स्टीरॉयड होता है, वो आपस में अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है, ताकि मतलब मसल कार्डियक मीनिंग हार्ट। ठीक है, कार्डियक कहीं भी वर्ड आएगा तो उसका मतलब है हार्ट, तो आपके हार्ट की पंपिंग में एक्चुअली स्टिमुलेट कर रहे होते हैं, आपके हार्ट की पंपिंग में उसकी कंट्रैक्शन को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। उसके बाद आपका आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ एन एंटीबायोटिक यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड इज़ ए ग्लाइकोसाइड। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आपका ग्लाइकोसाइड है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपकी एंटीबायोटिक, स्ट्रेप्टोमाइसिन ये जो आपको बाज़ार में नॉर्मली सोर थ्रोट वगैरह के लिए मिल रही होती है टैबलेट, ठीक है, ये आपके ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो ये आपकी ग्लाइकोसाइड है। उसके बाद एक और है आपका फिजियोलॉजिकल इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड, उसको कहते हैं उबेन। उबेन इनहिबिट्स पोटेशियम एंड सोडियम ATPase एंड ब्लॉक्स द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम। अच्छा, अब जो उबेन है ना, ये आपका सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है, पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये उसमें काम कर रहा होता है, ये इसमें जो सोडियम की एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको ब्लॉक कर रहा होता है। ठीक है, आप कह लें कि जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है हम इसको फर्दर आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बस इतना बता देती हूँ कि ये जो पंप है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एसिड बेस बैलेंस के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको इनहिबिट और स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब आपका सोडियम सेल से बाहर जाता है तो वो पुश होता है और प्रेशर पे पुश होता है, तो उसके बाद जो वो जब पुश होता है तो एनर्जी आपकी आप कह लें कि एक्सक्रीट होती है, एनर्जी बाय प्रोडक्ट जो है रिलीज़ होती है। ठीक है, तो ये जो है आपकी पूरी बॉडी में सेलुलर ट्रांसपोर्ट वगैरह में, सेलुलर मैकेनिज्म्स में होता है, तो इसको जो है ये जो पंप है इसको जो इनहिबिट करता है वो उबेन कर रहा होता है। इसके बाद फ्लोरिजन, फ्लोरिजन प्रोड्यूसेस रीनल डैमेज एंड एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स। अच्छा, जो आपके रीनल का मतलब होता है किडनी, रीनल वर्ड कहीं भी आएगा तो आपने उसको समझ लेना है कि दैट्स मीनिंग किडनी। ठीक है, तो अब फ्लोरेसेंस जो है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में रीनल डैमेज प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब ये है कि जब हम नॉर्मली जैसे फॉर एग्जांपल हम रैट्स लेते हैं तो हम रैट्स के ऊपर स्टडी कर रहे होते हैं। ठीक है, आप कोई भी नया प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको नया कोई भी एक्सपेरिमेंट करना होता है तो आप सीधा ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट नहीं करते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल फाइजर ने जो COVID-19 के लिए ड्रग बनाई थी और उसकी ह्यूमन ट्रायल्स शुरू किए थे, आई थिंक इट हैज़ बीन अ मंथ और 2 months, तो रिसेंटली कुछ दिनों पहले पता चला कि ह्यूमन ट्रायल्स में जो 4 उनके एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स थे दे रिडक्टेड बेल्स पाल्सी। बेल्स पैल्सी एक आपकी परमानेंट आपका फालिश टाइप कंडीशन है जिससे में आपका मुंह खिंच जाता है, एक साइड पे चला जाता है, तो इसीलिए
ह्यूमन ट्रायल्स से पहले आपके एनिमल ट्रायल्स होते हैं। तो एनिमल ट्रायल्स पे अब हेल्दी एनिमल, ऑब्वियसली आपके हेल्दी एनिमल होते हैं, आप उसके एक किडनी या उसकी आपने अगर चेक करना है तो आप उसके एक बीमार एनिमल को ट्रीट करते हैं ताकि वो ठीक हो जाए। तो अगर वो बीमार नहीं है तो आप उसके अंदर खुद ही से डैमेज प्रोड्यूस कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई रीनल स्टडी करनी है, ठीक है, तो हम एक्सपेरिमेंटल एनिमल को फ्लोरेसन देते हैं जो कि उसको उसका रीनल उसकी किडनी डैमेज करता है, और फिर हम उनको मेडिसिन वगैरह देते हैं चेक करने के लिए कि इधर आर मेडिसिन आर सक्सेसफुल और नॉट। तो ये आपके पांच फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड्स हैं: ग्लूकोविनिलिन, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, उबेन और फ्लोरेसन। ग्लूकोविनिलिन आपकी वनीला फ्लेवर इम्पार्ट कर रहा होता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं जैसे डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपका एंटीबायोटिक है और ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। उबेन आपका जो है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप को ब्लॉक कर रहा होता है, और फ्लोरेसिन आपकी रीनल डैमेज प्रोड्यूस करती है एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स में। आगे आप आ जाएं डेरिवेटिव्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स हैं मोनोसेक्राइड्स के, एंड दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो यू शुड नो व्हाट आर दीज। शुगर एसिड्स सबसे पहले आपके आते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप इन मोनोसेक्राइड रिजल्ट्स इन शुगर एसिड्स। तो आप शुगर एसिड्स कब बनेंगे? जब आपका प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, मतलब ये रिएक्शन होता है प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप पे, ठीक है, CH2OH पे, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा होता है, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाए, तो वो शुगर एसिड्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब वो एसिड बन जाता है, ठीक है। तो ग्लूकोनिक एसिड तब बनता है जब एल्डिहाइड C1 ग्रुप पे आपकी ऑक्सीडेशन होती है, ठीक है, और ग्लूकोरोनिक एसिड तब बनता है जब प्राइमरी अल्कोहल C6 आपका ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। तो दो है ना आपके अल्कोहल ग्रुप, एक तो आपका C1 पे है और एक आपका C6 पे है। तो अगर C1 आपका प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप ऑक्सीडाइज होता है तो ग्लूकोनिक एसिड बनाएगा, अगर C6 ऑक्सीडाइज होता है तो वो ग्लूकोरोनिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो याद ये रखना है कि आप शुगर एसिड तब बनेगा जब आपका प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होता है। अब शुगर अल्कोहल कब का बनता है? जब आपकी एल्डोज या कीटोज रिड्यूस होते हैं, ठीक है। शुगर एसिड्स में ऑक्सीडेशन हो रही थी प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप की, शुगर अल्कोहल में एल्डिहाइड या कीटोजिस की रिडक्शन हो रही थी। मतलब फॉर एग्जांपल आपका अल्कोहल तब बनता है, ग्लूकोज से आपका सॉर्बिटॉल बन रहा होता है, मैनोज से आपका मैनिडॉल बन रहा होता है, ठीक है। ये शुगर अल्कोहल्स हमने पहले पढ़ा भी है कि बनते कैसे हैं। उसके बाद एल्डिटॉल्स, द मोनोसेक्राइड्स ऑन रिडक्शन यील्ड पोलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स नोन एज एल्डिटॉल्स। तो आपके जब मोनोसेक्राइड्स की रिडक्शन होती है तो वो पोलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल्स देते हैं, इनको हम एल्डिटॉल कहते हैं क्योंकि वो पोलीहाइड्रोक्सी होते हैं, ठीक है। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे राइबोटॉल है, राइबोटॉल जो है फ्लेविन कोएंजाइम्स का कंस्टिट्यूएंट है। ये जो कोएंजाइम्स हैं ये हेल्प कर रहे होते हैं आपके बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रोसीड करने में। ग्लाइसरॉल और मायो इनोसिटॉल, ये दोनों लिपिड्स के कंपाउंड्स हैं। ज़ाइलिटॉल आपका स्वीटनर है और ये आपकी शुगरलेस गम्स और कैंडीज वगैरह में होता है, और ये उन पेशेंट्स के लिए भी हेल्पफुल है या फ़ायदेमंद है जो डायबिटिक्स होते हैं या जिनको चीनी कम का कहा गया होता है। तो ये सब के सब जो हैं आपके एल्डिटॉल्स हैं, और ये मिलते कैसे हैं? जब शुगर्स की रिडक्शन होती है, मोनोसेक्राइड्स की रिडक्शन होती है, बेसिकली मोनोसेक्राइड्स की रिडक्शन होती है। अब आ जाते हैं आपके अमाइनो शुगर्स। व्हेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर रिप्लेस्ड बाय अमाइनो ग्रुप्स, द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर अमाइनो शुगर्स। तो इसमें क्या है, मोनोसेक्राइड्स के जब एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं अमाइनो ग्रुप से, ठीक है, आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप थे ना शुगर चेन में, जैसे फॉर एग्जांपल ये सब आपके हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं। तो अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस हो जाते हैं आपके अमाइनो ग्रुप से तो उसको हम
अमाइनो शुगर कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह अगर आपका अमाइनो ग्रुप लग जाए तो वो होगा आपका अमाइनो शुगर। इसकी एग्जांपल है डी ग्लूकोसामीन और डी गैलेक्टोसामीन। ये प्रेजेंट होते हैं हमारे हेट्रोपोलीसेक्राइड्स में। इसकी एक एग्जांपल है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ एन एसिटाइल मेनोज एंड पायरोविक एसिड। तो एन एसिटाइल मेनोज और पायरोविक एसिड से मिल के एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड बनता है। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है। सर्टेन एंटीबायोटिक्स कंटेन अमाइनो शुगर्स विच मे बी इन्वॉल्व इन द एंटीबायोटिक एक्टिविटी। एग्जाम्पल एरिथ्रोमाइसिन। तो आपका जो एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड है ये आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स में होता है। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स हमारी बॉडी में उनके काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और इनको हम आगे देखेंगे। इसके अलावा सर्टेन हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो भी अमाइनो शुगर्स होती हैं, जैसे एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपकी एंटीबायोटिक है, वो एक्चुअल में हमारी अमाइनो शुगर ही है। इसके बाद आपके आ जाते हैं डी ऑक्सी शुगर्स। दीज आर द शुगर्स दैट कंटेन वन ऑक्सीजन लेस देन दैट प्रेजेंट ऑफ द पेरेंट मॉलिक्यूल। तो डी ऑक्सी शुगर है, ठीक है, मतलब आपकी ऑक्सीजन जो है डी कम होती है, लेस, ठीक है। तो ये अगर आपकी कोई भी शुगर हो, मोनोसैकेराइड हो, उसमें से एक ऑक्सीजन कम होगी तो वो डी ऑक्सी शुगर बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल CHOH और CH2OH। CHOH आपका CH2 बन जाएगा, ठीक है, और O निकल जाएगा, और CH2OH आपका CH3 बन जाएगा, ठीक है, और O निकल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका तब होता है जब ऑक्सीजन आपके इनमें से निकल जाती है। ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है और ये आपका प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है शुगर में। तो D2 डीऑक्सीराइबोज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डीऑक्सी शुगर सिंस इट इज़ द स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ DNA। DNA के अंदर डीऑक्सीराइबोज होता है, ठीक है। तो DNA का प्रोनाउंसिएशन क्या है, अगर पूरा खोलें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, ठीक है। तो जो डीऑक्सीराइबोज है वो आपकी DNA का कंस्टिट्यूएंट है और वो इसी तरीके से बनता है, ठीक है। उसमें जो है आपकी ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो चुकी होती है। अच्छा, इसके अलावा एक आपकी टेक्निक है फ्यूलगन स्टेनिंग। इट कैन स्पेसिफिकली डिटेक्ट डीऑक्सीराइबोज एंड थस DNA इन टिश्यूज। फीकोज इज आर डीऑक्सी एल गैलेक्टोज फाउंड इन ब्लड ग्रुप एंटीजन्स एंड सर्टेन ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो फ्यूलगन स्टेनिंग कैसे आप करते हैं, ये डीऑक्सीराइबोज डिटेक्ट करती है टिश्यूज़ के अंदर। तो फ्यूकोज जो है वो असल में डीऑक्सी एल गैलेक्टोज के ब्लड ग्रुप एंटीजन्स के अंदर होता है, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है, फ्यूलगन स्टेनिंग का पता चल जाता है। तो फ्यूकोज और डीऑक्सीराइबोज ये दोनों जो हैं आपके एग्जाम्पल्स हैं डीऑक्सी शुगर्स की। उसके बाद लास्ट आता है एस्कॉर्बिक एसिड या वाइटमिन सी। वाइटमिन सी को हम एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये वाटर सॉल्युबल वाइटमिन है और ये वाइटमिन सी आपके सारे खट्टे फ्रूट्स के अंदर होता है और ये आपके क्लोजली मोनोसैकेराइड को रिजेंबल कर रहा होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है मोनोसैकेराइड को रिजेंबल करता है। तो हम रिवाइज कर लेते हैं, मोनोसैकेराइड्स के डेरिवेटिव्स में शुगर एसिड्स आते हैं। शुगर एसिड्स बनते हैं प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से। तो उसके बाद शुगर अल्कोहल्स आते हैं। जो शुगर अल्कोहल्स हैं वो बनते हैं कीटोसिस या एल्डोसिस की रिडक्शन से। फिर आपके एल्डिटॉल्स आते हैं। एल्डिटॉल्स मोनोसैकेराइड्स की जब रिडक्शन हो और वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल दें तब एल्डिटॉल्स बनते हैं। अमाइनो शुगर्स जब मोनोसैकेराइड्स के अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिप्लेस कर दिए जाते हैं अमाइनो ग्रुप के साथ तो वो अमाइनो शुगर्स देते हैं। उसके बाद डीऑक्सी शुगर्स के अंदर एक ऑक्सीजन कम होती है
और एल्क एस्कॉर्बिक एसिड का काफ़ी ज़्यादा स्ट्रक्चर मोनोसेक्राइड से मिलता जुलता है। और एल्क एस्कॉर्बिक एसिड असल में वाटर सॉल्युबल हमारा वाइट वन है। अब इनके हम ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लाइसरोल, मायोइनोसिडॉल, डीऑक्सीराइबोज, डी ग्लूकोजामीन एंड एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये आपकी बुक के अंदर है। तो अगर आप ग्लूकोरोनिक एसिड को देखें तो आपकी वो जो है प्राइमरी अल्कोहल C6 जो है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो यहाँ पे आपका ये वाला जो है ग्लूकोनिक एसिड में C1 हो रहा होता है, तो यहाँ पे आपका C1 होता है, ठीक है। C COOH हो गया ये, ठीक है। CHOH के बजाय COOH हो गया है। जबकि यहाँ पे ग्लूकोरोनिक एसिड में आपका 6th कार्बन CH2OH के बजाय वो COOH हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखें तो हमारा है ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल जो है वो आपका एल्डिटॉल है, ठीक है, जो कि रिडक्शन से मिल रहा होता है। तो ये आपका ग्लाइसरोल है, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन हुई है और ये आपका बन गया है CH2OH, ठीक है। ये इस तरीके से CH2OH, ये ऊपर भी आपका प्राइमरी अल्कोहल बन गया है, तो वो ग्लाइसरॉल बन जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट है मायोइनोसिटोल। मायोइनोसिटोल भी आपका एल्डिटॉल है, तो यहाँ पे आपका ये आपका एल्डिटॉल है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपकी रिडक्शन हुई भी है 6th कार्बन पे। उसके बाद आप आगे जाएं, नेक्स्ट आपका स्ट्रक्चर है डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज में आपकी जो है आपका एक ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है। तो 2nd कार्बन पे आपकी ऑक्सीजन जो है कम है, ठीक है, तो वो D2 डीऑक्सीराइबोज बनता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं डी ग्लूकोजामीन। डी ग्लूकोजामीन में एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जगह पे आपका अमाइनो ग्रुप लग जाता है, NH2, ठीक है। तो यहाँ पे देखें NH2, ये ज़रा आसान करके स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे आपका NH2 लग जाता है, तो वो ग्लूकोज अमीन बन जाती है। और देखें यहाँ पे नाम है D2 डीऑक्सीराइबोज, सॉरी डी ग्लूकोज अमीन, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है, ये जहाँ पे भी नाम डी आ रहे हैं तो ये आपके जो हैं डेक्सट्रो रोटेटरी शुगर्स हैं। उसके बाद लास्ट में आ जाता है एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। तो ये है आपकी एग्जाम्पल इसकी अमाइनो शुगर की, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी तो यहाँ पे आपके जो हैं कंपोनेंट्स जो हैं ये डिफरेंट लग रहे हैं, जिनकी वजह से ये एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड बन जाता है इस तरीके से। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर कंसंट्रेशन। अल्लाह हाफिज़।